बीआरएस पार्टी के बड़े लीडर्स ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है, जिनमें तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव, तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव, बोधन एमएलए मोहम्मद शकील ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। बीआरएस के सुप्रीमो और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज जुमेरात को गजवेल में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। आईटी मिनिस्टर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने आज जुमेरात को सरसला में आरडीओ ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त पार्टी के कई रहनुमा इनके हमरा मौजूद थे। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने सिद्दीपेट असेंबली हलके से सातवीं मरतबा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी जुमेरात को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए गए। इससे पहले हरीश राव ने सिद्दीपेट के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। उन्होंने सिद्दीपेट हलके के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने से पहले प्रिसाइडिंग डाइटी के सामने पर्चा नामजदगी रखा। 2018 के इंतखाबात में हरीश राव ने 1,18,700 वोटों के जबरदस्त अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। रुकने असेंबली बोधन मोहम्मद शकील ने हल्के असेंबली बोधन के लिए बोधन आरडीओ ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा बीआरएस एमएलसी कविता भी मौजूद थी। कविता ने बोधन एमएलए शकील के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए स्कूटर की सवारी की। पेश है इस खसूस में यहाँ के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत.com।